शादी विवाह आदि समारोहों में जब शहनाई बज रही होती है या शहनाई की रिकॉर्ड की हुई धुनें बज रही होती हैं, तब उस महान संगीतकार की बरबस याद आ जाती है जिसने शहनाई वादन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर संगीत के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई। उस संगीतकार का नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खां। बिस्मिल्ला खां की मृत्यु 21 अगस्त सन 2006 में हुई थी। मृत्यु से कुछ महीने पहले राष्ट्रीय सहारा के एक पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया था। उस साक्षात्कार के प्रमुख अंश यहां प्रस्तुत हैं। खां साहब, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म 21 मार्च 1913 को बिहार के डुमराव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। मेरे खानदान में पिछली कई पीढ़ियों से शहनाई वादन की परंपरा रही है। मेरे दादाजी के दादाजी स्वर्गीय उस्ताद सलार हुसैन खां, दादाजी के पिताजी स्वर्गीय उस्ताद हुसैन बख्श खां, दादाजी स्वर्गीय रसूल बख्श खां और पिताजी स्वर्गीय पैगंबर बख्श खां सभी शहनाई बजाते थे। इस प्रकार शहनाई बजाने का हुनर मुझे विरासत में मिला है। मैंने सुना है कि आपका असली नाम कमरुद्दीन था। हाँ, ठीक सुना है आपने। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माँ बाप ने मेरा नाम कमरुद्दीन ही रखा था। मेरे दादाजी जो भोजपुर के दरबार में शहनाई बजाते थे, उन्होंने जब मुझे पहली बार देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा बिस्मिल्लाह। बस इसी से मेरा नाम ही पड़ गया बिस्मिल्लाह खां। खां साहब, इस विद्या में आपके गुरु कौन थे? मेरे मामा स्वर्गीय उस्ताद अली बख्श खां मेरे गुरु थे। वे बनारस में रहते थे। वे अपने जमाने के मशहूर शहनाई वादक थे। वहां वे विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। मैं बचपन में ही जब 6 बरस का था अपने मामा के घर आ गया। मामा ने ही मुझे अपने सानिध्य में शहनाई की बारीकियों को सिखाना शुरू किया। मुझे याद है उन दिनों मैं शहनाई बजाने का रियाज गंगा नदी के किनारे और बालाजी मंदिर के प्रांगण में बैठकर करता था। आपने पहली बार शहनाई वादन का कार्यक्रम कब और कहां प्रस्तुत किया था जिसने शहनाई वादक के रूप में आपको प्रतिष्ठा दिलाई? जहां तक मुझे याद है, मैंने पहली बार कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में सन 1931 में शहनाई बजाई थी। उस सम्मेलन ने मुझे शहनाई वादक के रूप में पहचान दिलाई थी। खां साहब, आपको 15 अगस्त 1947 के दिन स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण मिला था। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उस समारोह में शहनाई बजाने का निमंत्रण जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस कार्यक्रम का संचालन नवाब पटौदी साहब कर रहे थे। मैं खादी का कुर्ता, पायजामा और टोपी पहनकर चल रहा था। मेरे आगे एक महिला कलश लेकर चल रही थी। मेरे पीछे राजेंद्र बाबू और उनके पीछे नेहरू जी चल रहे थे। उस वक्त एक कलाकार के रूप में स्वयं को देश के शीर्षस्थ नेताओं से आगे पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। सुना है कि उस कार्यक्रम में आपने शहनाई भी बजाई थी? हाँ भाई,
नवाब पटौदी साहब ने घोषणा कर दी कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम आजादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में तहजीब है कि खुशी के अवसर पर गरीब अमीर हर आदमी शहनाई बजवाता है। यहाँ लाल किले के इस दीवाने खास में भी हम शहनाई बजवाना चाहते हैं, और वह भी उस्ताद बिस्मिल्ला खान से। उसके बाद मैंने शहनाई बजाई और दिल खोल कर बजाई। शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादा देर तक बजाना कठिन है। इतने वर्षों की अपनी शहनाई वादन यात्रा में आपने अधिक से अधिक कितनी देर तक शहनाई बजाई है? बात सन 1942 की है। बंबई में मेरे एक धनवान मित्र रहते थे। एक दिन बात बात में उन्होंने पूछा कि आप कितनी देर तक लगातार शहनाई बजा सकते हैं। मैंने कहा कि आप जब तक कहेंगे तब तक मैं बजा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर, कि बजाने के बदले पैसे लूंगा। उन्होंने 5 घंटे लगातार बजाने को कहा। मैंने कहा 100 रुपए लूंगा। उस वक्त 100 रुपए बहुत होते थे। तब 12 आने में भर पेट खाना मिल जाता था। मैंने शहनाई बजानी शुरू की। उन्होंने शुरू में सोचा कि ये 5 घंटे क्या बजाएंगे, लेकिन मैं बजाता गया। 3.5 घंटे बीत गए, फिर 4 घंटे। इस तरह 5 घंटे और 5 मिनट तक मैं लगातार शहनाई बजाता रहा। वह घटना मुझे आज तक याद है। कहा जाता है कि एक शहनाई वादक के रूप में आपके कुछ उसूल हैं, और इन्हीं उसूलों के कारण आपने देश विदेशों से मिलने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ठुकराए हैं। हाँ, अमरीका से एक बार एक प्रस्ताव मिला था जिसमें वे मुझसे वहां रहने की जिद कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे बनारस प्रेम को भांपते हुए वहां बनारस की प्रतिकृति बनवाने का भी वादा किया था, लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आप बनारस तो बना देंगे, लेकिन बनारस से मेरी गंगा तो नहीं ला पाएंगे। एक मशहूर शहनाई वादक होने के नाते आपको भी फिल्मों में काम करने के कई प्रस्ताव मिले होंगे। बिल्कुल, मुझे फिल्मों में संगीत निर्देशन के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिले, लेकिन मैं उन्हें ठुकराता चला गया। हाँ, मैं अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय विजय भट्ट और शंकर भट्ट की चर्चित फिल्म गूंज उठी शहनाई में संगीत निर्देशन के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाया, और उस फिल्म में मैंने संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। इसके अलावा मद्रास के एक और फिल्म निर्माता विक्रम श्रीनिवास की तमिल फिल्म सनाधि अपन्ना में भी मैंने संगीत निर्देशन किया, क्योंकि वे मेरे बहुत बड़े प्रशंसक थे। विरासत में मिली शहनाई वादन की इस परंपरा को आपने जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई है, भारतीय वाद्य संगीत की दुनिया में यह एक ऐतिहासिक योगदान है। आपके इस योगदान को संरक्षित रखने के कौन कौन से प्रयास हुए हैं या हो रहे हैं? मेरे कुछ शिष्यों में यह संरक्षित है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यह आगे तक चलता रहेगा। दाऊ दयाल महाविद्यालय फिरोजाबाद में संगीत विभाग की व्याख्याता हैं सुश्री इला तिवारी। उन्होंने मेरे शहनाई वादन की शैली पर PhD की है। श्री छिब्बा जी और श्री ज्ञान सेठ साहब ने मेरी जीवनी पर फिल्में बनाई हैं। छिब्बा जी द्वारा बनाई गई फिल्म में कमेंट्री लता मंगेशकर जी ने की है। लता जी की बात आई तो मैंने सुना है जब भारत सरकार ने आपको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था, तब लता जी ने आपको बधाई दी थी। हाँ,
लता जी बहुत खुश हुई थी। लता जी सुरीली आवाज की धनी है, उनसे बात करना काफी अच्छा लगा। आप उस पीढ़ी के कलाकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद होते और यहां तक पहुंचते देखा है। आज के समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत खुदा या भगवान की दी हुई सबसे अच्छी सौगात है। मेरा कहना है कि संगीत सबका है, इसमें जाति पाति का भेदभाव मत लाओ। हिंदू फनकार हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि वे उनका सम्मान करें और उनसे सीखें। हिंदुओं को भी मुसलमान फनकारों का सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हमारे उस्ताद ने हमें यही सिखलाया है।